हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम। एक स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा खान पान, शारीरिक व्यायाम, चिंता मुक्त जिंदगी जितना ज़रूरी है उतना ही समय समय पे डॉक्टरी सलाह भी जरूरी है। जो आज हमारा विषय है वो है ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि की दुर्बलता, जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हमारे जो डॉक्टर गेस्ट हैं वो शहर के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एस पंडित सर हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हेल्थ के बारे में कुछ बताएं हमें। हम लोग के जीवन में हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंस, हेल्थ का बहुत इम्पोर्टेंस। हम जो कुछ भी करते हैं हमारा उद्देश्य होता है हमारा हेल्थ अच्छा रहे। और हेल्थ की परिभाषा आम तौर पर लोग नहीं जानते हैं, और ये हेल्थ की परिभाषा जो दिया गया उसमें बाद में बहुत लोगों ने, बहुत से डॉक्टर लोगों ने नया नया कुछ जोड़ा भी है उसमें। फंडामेंट जो मुख्य परिभाषा था जो हम लोग पढ़े थे वो इंग्लिश भाषा में था, उसका हिंदी हम लोग बोलते हैं कि जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। इसका मतलब हुआ कि उसका लंबाई चौड़ाई एज के हिसाब से वेट है, और चेहरे में चमक है, ये सब होना चाहिए। दूसरा है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। चेहरा तो बहुत बढ़िया है लेकिन उनके विचार बहुत गंदे होते हैं, खुराफाती होते हैं, क्या क्या नॉनसेंस बेकार चीज़ सोचते रहते हैं, किसको मारना है, किसको पीटना है, किसको लूटना है, किसको किडनैप करना है, ये सब अगर किसी के मन में है तो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाएगा। सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब ये है कि हमारा जो आपसी रिलेशन होता है अपने परिवार के लोगों से, अपने समाज के लोगों से, अपने राज्य के लोगों से, वो स्वस्थ रिलेशन चाहिए। हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि हारमोनी होना चाहिए। एक और चौथा उसका भाग है जिसको जल्दी हम लोग नहीं समझ पाते हैं, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं उसको आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इसका मेन मतलब है, आध्यात्मिक का सिद्धांत है आपस में भाईचारा होना चाहिए। अध्यात्म कहता है कि सृष्टि में जो जो लोग हैं, जितनी चीज़ें हैं, सबका सोर्स, सबका स्रोत एक ही है। ये ज्ञान होने से आपसी प्रेम भाव बढ़ता है। इस हम जानते हैं कि मेरा पिताजी है, पांच भाई हैं, चार बहन हैं, तो नेचुरल रूप से आपस में प्रेम होता है। लेकिन जब स्वार्थ स्वार्थ चला आता है, लोभ चला आता है, तो लोभ आना, स्वार्थ होना, फिर तो मानसिक बीमारी हो गई। जी है ना, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो लेकिन अगर ये स्वार्थ में आवे तो एक पिता एक परिवार का जो बच्चे लोग होते हैं वो प्राकृतिक रूप से आपस में प्रेम करते हैं। ये करते हैं मैक्सिमम, सब नहीं करते हैं, सब नहीं करते हैं, क्योंकि मानसिक जो दिमाग जो हम लोगों का है वो हम लोगों के खुराफाती दिमाग हम लोगों का है। और प्रकृति ने, ईश्वर में हमने हमको पावर दिया है, एनर्जी दिया हमको कुछ करने के लिए, अच्छा करें या बुरा करें, सोचने की शक्ति भी दी है, थिंकिंग पावर हम लोगों का है, हमको दिया है इंटेलिजेंसिया मतलब विवेक। एक और जो बात हम लोग नहीं कभी सुने हैं, आदमी अपने पिताजी का बात नहीं मान सकता है, भगवान को भी बात नहीं मान सकता है, ये उसका पावर इच्छा शक्ति है। लेकिन साथ में विवेक भी दे दिया है, तो विवेक होने से क्या होगा, वो इच्छा शक्ति का अच्छे दिशा में उपयोग करेगा। हमारे बहुत से जो डॉक्टर विद्वान हैं जिसका मैं एक नाम लूँगा, डॉक्टर एक है डॉक्टर बी एम हेगड़े, वो बोलते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब आप स्वस्थ है बात नहीं है। वो बोलते हैं अगर आपको सुबह उठते हैं और काम करने का मन है, तो आप घूमने का मन है, काम करने का मन है, आप समझो तुम रियली तुम ही स्वस्थ हो। स्वस्थ हो शरीर के लिए एक नई परिभाषा हम लोगों को पता चला कि सिर्फ दर्द मुक्त या बीमारी मुक्त शरीर ही स्वस्थ नहीं होता है, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, चिंता मुक्त भी होना चाहिए और इच्छा शक्ति बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है शरीर का जो हड्डी है उसका पतला हो जाना,
पतला होना आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई मान लीजिए मधुमक्खी का छत्ता है और मधु भरा हुआ है जी, तो भारी होता है जी। और अगर उसको मधु को हम निकाल देते हैं तो छत्ता क्या करता, छत्ता दब जाता, पुछ पुछ करता दाबने जी, से जी। तो वैसे अगर हमारे बोन में अगर उसका मज्जा होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा तो हड्डी कमजोर हो जाएगा, हड्डी मुलायम हो जाएगा तो दर्द करेगा देह में पीठ, जहाँ जहाँ ये हड्डी कमज़ोर होगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, पूरे शरीर की हड्डी को प्रभावित करता है। मेन मुख्यतः क्या कारण है? तो मैंने बताया कि हड्डी इसमें पतला हो जाता है। क्या कारण है, आप जाइए हेल्थ की परिभाषा में, बैलेंस्ड डाइट संतुलित आहार। कैल्शियम की ही कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब देख लीजिए हमारे फूड में, भोजन में जो हम लोग सब्जी खाते हैं, चावल दाल खाते हैं, उस सब में कैल्शियम भी है। कैल्शियम है सिर्फ है। दूध में नहीं, ऐसा नहीं, दूध में तो कैल्शियम लोग खाता ज़्यादा है, दूध में भी है, मतलब जितना फूड है कैल्शियम है। सर कुछ आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से आपने पढ़ाई की? मैं बिहार का हूँ, मेरा जिला बेगूसराय है और गाँव बीरपुर है। मेरा जन्म 1951 में हुआ है। मैंने मैट्रिक पढ़ाई 68 में मैंने हायर सेकेंडरी पास किया। कहाँ से सर, किस स्कूल से? जयमंगला हाई स्कूल मंझौल। अच्छा, मंझौल से। और मेरी कॉलेज की पढ़ाई साइंस ग्रेजुएशन जबलपुर साइंस कॉलेज से हुआ। हमने वहाँ बायोलॉजी विषय पहली बार लिया और मैं हायर सेकेंडरी में साइंस का विद्यार्थी था, मैथमेटिक्स का विद्यार्थी था। और मेरा मेडिकल एडमिशन 72 में हुआ साइंस कॉलेज जबलपुर जी, जो आजकल जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के नाम से है। हमने 78 में मेडिकल पास कर लिया। दो साल में हमने ऑर्थोपेडिक में किया कोर्स जी, उसी कॉलेज से जी। और हम बेगूसराय में 81 से हैं। 81 से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1981 से बेगूसराय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब ये सोच लिए थे कि आपको मतलब पढ़ाई करके बेगूसराय वापस आना है, बाहर दिल्ली बॉम्बे जाने का नहीं इच्छा? वो चॉइस नहीं था जी। मैंने गवर्नमेंट जॉब में भी काम किया करीब 15-10 साल जी, बिहार गवर्नमेंट जॉब काम किया जी। फिर मैं जॉब छोड़ करके अपना प्राइवेट काम करने लगा जी। हमने ऑर्थोपेडिक में, मैं समझता हूँ बेगूसराय में 35 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ। 35 सालों से आप यहाँ पे हैं जी, बहुत बड़ी बात है। 81 से जी। हर इंसान के ज़िंदगी में कोई ना कोई आइडियल पर्सन होगा, आपके ज़िंदगी में किसको आपने आइडियल बनाया? देखिए हमारे 2-3 लोग हमारे पर्सनैलिटी में आइडियल हैं। पहले तो मेरे पिताजी हैं जी, मैंने उनके व्यवहार में कभी कोई निगेटिव बात नहीं देखा, कभी उन्होंने चतुराई उनके बात से, उनके एक्शन से कभी कोई चतुराई मैंने उनको नहीं देखा। बहुत इनोसेंट, सही बोलने वाले, सही काम करने वाले। उन्होंने, उनकी इनकम बहुत कम थी, बहुत खेत कम था, उनका भरण पोषण मुश्किल से होता था और उन्होंने हमको बहुत बढ़िया से पाला पोसा। मेडिकल होने के पहले हमने ट्राई किया बेगूसराय में ये डिग्री कोर्स इन केमिस्ट्री, मेरा मौका नहीं मिला। वेटरनरी अप्लाई किया, हमको नहीं हुआ। एग्रीकल्चर अप्लाई किया, हमको नहीं हुआ। ऑर्थोपेडिक बनना था और हमको बाद में ऊपर वाले एक साल के बाद हमको मेडिकल कॉलेज में मिला जी। बढ़िया अच्छे नंबर से हमको वहाँ मिला जी, है ना जी। तो हम ये तो सर आपके घर में हर इंसान का उसका आइडियल सबसे पहले उसके फैमिली वाले होते हैं। आपने मतलब दुनिया में बाकी किसको अपना आइडियल बनाया? और बाद में दूसरा आइडियल थे मेरे पास था, हमें स्वामी विवेकानंद को हमका चेहरा देख करके और उनके डायलॉग्स में बहुत प्रभावित थे जी जी। मैंने आज ही एक स्लोगन पढ़ा कि हिंदू बनना है तो स्वामी विवेकानंद जी जैसे बनो, और मुस्लिम बनना है तो अब्दुल कलाम जी जैसे बनो। अंत में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसा कि आपने सर से सुना कि स्वस्थ शरीर के लिए सिर्फ अच्छा खाना पीना ज़रूरी नहीं होता है, चिंता मुक्त ज़िंदगी और साथ ही साथ आध्यात्मिक होना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आप अपना कीमती वक्त हमें दिए और स्वास्थ्य के बारे में और अध्यात्म के बारे में, योगा के बारे में हम लोगों को बताएं। धन्यवाद सर। हम भी आपको धन्यवाद देते हैं, श्रोतागण को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जी।